हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी रेसिपीज। ये देखिए, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पोहा और मुरमुरा का नमकीन। ये नमकीन आप एक बार बनाइए और महीनों तक खाइए, ये ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही टेस्टी नमकीन। चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पोहा और मुरमुरा का टेस्टी नमकीन। यह हमने एक भगोनी गरम कर ली है, इसमें डालेंगे तेल। एक बड़ा चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल देखिए हमारा अच्छा गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे करीब एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, बारीक सौंफ है, और दो चम्मच के करीब खड़ा धनिया। सौंफ, धनिया और जीरा को बढ़िया चटकने देंगे। अब डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। चार पांच बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली है हमने। इसी के साथ डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज और मिर्च को अच्छा गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। ठुमक चलत राम चंद बजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज और मिर्च हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को हम तेल में ही डालेंगे ताकि ये जो है ना, इसका मॉइस्चर सारा उड़ जाए। इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा तो ये जो हमारा नमकीन है ये बहुत दिनों तक टिका रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो प्याज, मिर्च और जो हरा धनिया है ना, इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 1/2 चम्मच हम नमक डाल देंगे। ये हमारा हरा धनिया, प्याज, मिर्च अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये मुरमुरा। ये मुरमुरा डाल के हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे पोहा। पोहा को हमने तेल में फ्राई कर लिया था।
ये पोहा और मुरमुरा को अच्छा मिक्स कर लेंगे। ठुमक चल चलत रामचंद्र बाजत तेजनिया चलत रामचंद्र। ये देखिए हमने पोहा और मुरमुरा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने थोड़े से प्याज को अच्छा गोल्डन फ्राई कर लिया है। देखिए ये प्याज इसमें डाल देंगे। थोड़े से आलू है, आलू को कद्दूकस करके अच्छे से पानी में धो लिया और फिर इसे भी तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो ये आलू इसमें डाल देंगे। ये मूंगफली है, मूंगफली को भी हमने बढ़िया तेल में फ्राई कर लिया है अच्छे से। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी को हमने अच्छा बारीक पीस लिया है, तो करीब 2 चम्मच हमने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब हमने चीनी लिया है, इसे बारीक पीस लिया है। इसे अब मिला देंगे। फ्रेंड्स आप ये वाला नमकीन बनाकर देखिए, इतना टेस्टी लगता है ना। और ये एक बार आप बना लीजिए और इसे आप महीनों तक खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। लेकिन ये इतना टेस्टी लगता है कि जल्दी ही ये ख़त्म हो जाता है। जब भी आप किसी सफ़र में जा रहे हो, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, तो अपने साथ ये नमकीन बनाकर आप लेके जा सकते हैं। आप भी खाइए और सबको खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी हमारा देखिए नमकीन बनके तैयार हो गया है। इसे हम ऐसे धीमी धीमी आंच पर करीब 4-5 मिनट तक ऐसे भूनते रहेंगे, जिससे इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना, ये उड़ जाएगा। अब हम गैस कर देंगे बंद। और लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और महीनों तक टिकने वाला ये पोहा मुरमुरा का नमकीन बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।